थाने के सामने 4 साल के मासूम का शव रखकर परिजनों ने जताया विरोध। डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप, शासकीय डॉक्टर प्राइवेट में कर रहा था इलाज। हम आपको बता दें कि रीवा के अमहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी अस्पताल से 4 वर्ष के मासूम की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद मासूम के शव को थाने के बाहर रखकर परिजनों ने विरोध जाहिर किया है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते मासूम की जान चली गई, जिसके कारण डॉक्टर पर कार्यवाही किए जाने की मांग करते हुए मासूम के शव को थाने के बाहर रखा गया। तब पुलिस की टीम ने कार्यवाही का भरोसा जताते हुए परिजनों को शांत कराया। आपको बता दें कि रीवा के अमहिया थाने में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब 4 वर्ष के मासूम का शव लेकर परिजन थाने पहुंच गए। तथा थाने के बाहर ही मासूम के शव को रखकर निजी अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करने लगे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मामले की गंभीरता को समझते हुए निजी अस्पताल के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। बताया जा रहा है कि अमहिया थाना क्षेत्र में निजी अस्पताल में शासकीय डॉक्टर नरेश बजाज के द्वारा मासूम का इलाज किया जा रहा था, परंतु डॉक्टरों के द्वारा मासूम के इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई तथा अब डॉक्टरों पर कार्यवाही की मांग को लेकर परिजन थाने पहुंच गए हैं, जिस पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि परिजनों को इस शिकायत के आधार पर मामला कायम किया गया है तथा कार्यवाही का भरोसा दिलाते हुए मामले को शांत कराया गया है। इसके अलावा परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर बंधक बनाकर पैसे की मांग करने का भी आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने जांच की बात कही है। वहीं मामले पर डॉक्टरों का कहना है कि उनके द्वारा शासकीय अस्पताल में रेफर किए जाने की बात कही गई थी, जिसके बाद परिजन बिना ऑक्सीजन के ही मासूम को लेकर अस्पताल से चल दिए थे, जहां पर बच्चे ने दम तोड़ दिया। मामले पर सबसे बड़ा सवाल सरकारी व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकारी अस्पताल होने के बावजूद मासूम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा शासकीय डॉक्टर अपने फर्ज की बजाय पैसे को तरजीह देते हुए निजी अस्पताल में मासूम का इलाज कर रहे थे। आइए सुनते हैं परिजन सहित थाना प्रभारी अमहिया शिवा अग्रवाल एवं डॉक्टर नरेश बजाज से प्राप्त जानकारी के अंश। तो बोले सोनोग्राफर करा लाओ, सोनोग्राफर करा के लाए तो शाम को आए सर, तो बोले कि सही है, फिर सुबह बोले वो करा के लाओ एक्सरे का रिपोर्ट देख के तुम्हें छुट्टी दे देंगे। वो चले गए, फिर जो डॉक्टर वहाँ पे रहते हैं उनसे बोले कि सर वो रिपोर्ट दे दीजिए, तो बोले कि चले जाओ वहाँ एक्सरे करा लो, फिर इसके बाद दवा लिख देंगे, तुम चले जाना। ठीक है सर, और वहाँ हम रिपोर्ट के लिए वो करने चले गए, कितने नंबर पर लगेगा हमारा नंबर, और यहाँ इंजेक्शन लगा दिए, वहाँ से आए ऊपर देखे बच्चा अटने लगा, फिर वो डॉक्टर बोला जब अटने लगा तो वो डॉक्टर वहाँ जो थे वो बोले ले जाओ संजय गांधी, वहाँ से लेके आए यहाँ सिमो चौराहा बजाज सर के पास, फिर वो यहाँ देखें फिर भेज दिए यहाँ संजय गांधी। कब भर्ती किए थे बच्चे को? 6 तारीख को। क्या नाम है बच्चे का? दीपक रावत। तुम्हारा नाम क्या है? दिलीप रावत। कहाँ के रहने वाले? हाँ बाबा। कहाँ हुआ था बच्चे? पैसे की मांग कर रहे हैं तुमसे परिजन? हाँ वहाँ पे पैसे बोल रहे थे, वो फाइल नहीं दे रहे थे, यहाँ बच्चे जैसे आ गया था मैं वहीं पे रह गया था, बोला सर फाइल दे दो दवा कराना है, बोले पहले पैसा दो तब दवा वो फाइल देंगे, और बच्चे को तो वहीं पे इंजेक्शन लगवा दिए लगता है। बेटा आजकल एक बीमारी फैली हुई है बच्चों में जिसको MISC बोलते हैं, तो बच्चे बहुत क्रिटिकल आ रहे हैं, माँ बाप को लगता है हल्का सा निमोनिया है तो गाँव में इलाज कराते रहते हैं, जब बहुत सीरियस होता है बदन में सूजन आ जाती है, डेंजरस हो जाता है, लगता है कि अब सांस लेने में बहुत दिक्कत हो गई, तब वो लेके चलते हैं। ये बच्चा 4 दिन पहले एडमिट हुआ था, इस बीमारी का नाम MISC है। ये 4 जगह असर करती है, एक तो हो गया फेफड़ा सबसे पहले, दूसरा लिवर, तीसरा स्किन में कभी कभी दाने आते हैं जैसे माता के हैं तो लोग पूछते रहते हैं गाँव में, और चौथा कभी कभी दिमाग पर असर करता है, तो एन्सेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर जैसा प्रेजेंट करता है। तो इनमें सबसे कम बचने के जो चांस रहते हैं वो होते हैं मस्तिष्क ज्वर वाले के और फेफड़े वाले के, ये दोनों बहुत मुश्किल से बचते हैं, बाकी जो बच्चे लिवर वाले हैं वो बच जाते हैं, जो स्किन में रैश वाले हैं वो बच जाते हैं, तो इसका पूरा फेफड़ा पूरा यानी इसमें 10% मुश्किल से बचा हुआ जो फेफड़ा काम कर रहा था पूरा फेफड़ा खराब हो चुका था, चूँकि गरीब था। मैंने आज सुबह उसको बोला कि अस्पताल तुम शिफ्ट हो जाओ, और अस्पताल शिफ्ट होने के पहले उसका एक्सरे कराया, तो एक्सरे का ये उसका एक्सरे अगर आप दिखाना चाहें तो पूरा फेफड़ा खत्म हो चुका है, इसमें कहीं भी कोई जगह नहीं बची है, और चूँकि अटेंडेंट बहुत जल्दी में थे कि जल्दी जल्दी हम शिफ्ट कर दें, जल्दी में शिफ्ट करने में वो बिना ऑक्सीजन के लेके चल दिए उसको, अब इतना फेफड़ा खराब होने में बिना ऑक्सीजन लेके मोटरसाइकिल पे कोई भी चला जाएगा तो ख़त्म हो ही जाएगा। इस हालत में वो इसी हालत में उसको लेके चल दिए, तो इस हालत में वैसे भी नहीं बचते हैं बच्चे, और बिना ऑक्सीजन के तो और दिक्कत हो जाती है, तो हम बहुत कोशिश करते हैं, करीब कई बच्चे इसमें बीमारी बचा चुके हैं, पर इतना इन्वायरमेंट जिसमें 90% से ज़्यादा लंग डैमेज हो वो बचना करीब करीब असंभव रहता है। सूचना आई है अभी, एक बालक है 4 वर्ष का, उसके एक्सपायर होने की, बता रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही से
उसकी जांच की जाएगी, अगर परिजन सहमत होंगे तो पीएम करा के जो भी जांच में आएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्या थी बच्चे को? डॉक्टर से अभी पता करवाया हॉस्पिटल से, तो बता रहे हैं लंग इन्फेक्शन था जो काफ़ी बढ़ गया था, और इलाज के दौरान ही उसको जो है तुरंत जो है SGMH रेफ़र किया जा रहा था गंभीर होने पर वो बचाया नहीं जा सका। कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है, तत्काल ही पुलिस भेज दी गई थी हॉस्पिटल में, और वहाँ कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं है, फिर भी अगर ऐसा कुछ आता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।